दोस्तों इस पर्टिकुलर वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आने वाली है 24 घंटे के बाद, यानी 24 आवर्स बचे हैं और आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर वीक की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये नहीं भूलना है कि अमेरिका का डेटा, अमेरिका का वीकली डेटा अब स्टॉक मार्केट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दो पर्टिकुलर न्यूज़ हैं, एक डोमेस्टिक आएगी और एक ग्लोबल आएगी, जो इस पर्टिकुलर वीक के स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। तो एक एक करके जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस पर्टिकुलर इवेंट को नोटेड डाउन कर लीजिएगा। तो आपको पता है दलाल स्ट्रीट पे इस हफ्ते अभी तक तो कोई बड़ी देखेगा इस हफ्ते की न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं करी है। जो भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था वो लास्ट वीक का जो डेटा आया था अमेरिका का, उसके बेसिस पे देखने को मिला था। लेकिन इस पर्टिकुलर वीक में क्या क्या डेटा आना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डोमेस्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको पता है कि आरबीआई भी इस समय काफी खुश नहीं है, क्योंकि उसका जो बैंड है वो 2-6% का, इन्फ्लेशन का बैंड कितना है 2-6% का। वो चाहता क्या है कि 4 के नीचे इन्फ्लेशन आए, लेकिन इन्फ्लेशन लगातार 3 महीने तक डाउन रहने के बाद क्या हो गया, 5 की तरफ चला गया। तो आपको पता है जितना भी अपर बैंड की तरफ डेटा जाता है, अपर बैंड की तरफ इन्फ्लेशन जाता है, उतना आरबीआई को दिक्कत होता है। लेकिन आरबीआई को बोलने का मौका मिलता है, आरबीआई को देखेगा सख्ती करने का मौका मिलता है हर दो महीने के बाद। देखिएगा, आपको पता है कि सारी पर्टिकुलर जो निगाहें हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि इंडिया की है और जो कि कौन देगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 3 डे की जो मीटिंग है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कल 24 आवर्स के बाद इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने लगेंगे, जिसमें 2-4 की इवेंट्स को पोल क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि वो रेट कट पे क्या बोलेंगे, वो इन्फ्लेशन पे क्या बोलेंगे, वो जीडीपी पे क्या बोलेंगे और वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पे क्या बोलेंगे। ये 4 प्रिडिक्टेड आउटकम कल स्टॉक मार्केट को हिट करेंगे। और जस्ट देखिएगा 8 अगस्त को मॉर्निंग में 10 बजे, यानी कि आप समझ सकते हो 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो इसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिए 2 ही दिन की मीटिंग है, क्योंकि 8 अगस्त को 9:15 से 10 के बीच में केवल 45 मिनट का टाइम होगा, जिसके बाद अगर आप देखेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आएगा लाइव मार्केट में। और परसों 24 घंटे के बाद सीधा इम्पैक्ट करेगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके लिए आपको टोटली प्रिपेयर रहना है। फूड इन्फ्लेशन को लेकर वो क्या कहेंगे ये भी बहुत मायने रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं डोमेस्टिक के साथ, देखिएगा पीएमआई का डेटा आ चुका है, फर्दर डेटा आना है, आपको पता है बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ, जिससे बैंक इम्पैक्ट करेंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो। आगे बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश हुए, और आपको पता है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा आना है अमेरिका से, जो कि आज भी देखने को मिलेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, फेवर में आया तो वेल एंड गुड, फेवर में नहीं आया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस समय कितना देखिएगा एज पे मार्केट बैठा हुआ है, मतलब एज पे मार्केट बैठा हुआ आप समझ सकते हो। फिर पीएमआई का डेटा यूरो एरिया का भी आएगा, और ये अगर अच्छा नहीं आया तो आपको पता है कि वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर अगर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो आएगा आपका 24 घंटे बाद, ये डेटा अगर अब बढ़कर आता है तो अच्छा है, और कहीं घटकर आया तो ये खराब हो जाएगा। यानी कि अब डेटा बढ़कर आए उतना ही अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये तो आपको सबकी निगाहें हैं, क्योंकि पिछली बार थर्सडे को ये डेटा आया था, इफ यू रिमेंबर थर्सडे को ये डेटा आया था, फ्राइडे को मार्केट क्रैश हुई थी और मंडे तक वो चीज़ आपको देखने को मिली। तो ये डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है, वही डेटा है जो थर्सडे को लास्ट टाइम आया था, मार्केट क्रैश हो गई थी। तो इस बार ये डेटा अगर बढ़कर आता है तब स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन भी देगा, अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देगा। लेकिन अगर ये घटकर आ जाता है तो फिर से देखिएगा जो भी सिनेरियो होगा थर्सडे तक स्टॉक मार्केट का, वो तुरंत देखिएगा कवरअप हो जाएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा पूरी तरीके से, और ये अपडेट्स
नोटेड डाउन कर लीजिएगा। राम राम।